हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल फिल्टर कैसे क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी कार का इंजन ऑयल अगर चेंज किया होगा तो कार में एक एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर आता है, आपको सिंपली उसे निकालना होता है और न्यू डालना होता है, बस हो गया, आपका ऑयल फिल्टर रिप्लेस हो गया। उसी तरह बहुत सारे मोटरसाइकिल में आपको एक्सटर्नल पेपर टाइप ऑयल फिल्टर आता है, जब भी आप ऑयल रिप्लेस करते हैं तो उस ऑयल फिल्टर को आपको निकालना होता है और न्यू डालना होता है और आपको ऑयल चेंज करना होता है। बट इस तरह का इंजन में आपको कोई भी एक्सटर्नल ऑयल फिल्टर नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको ऑयल फिल्टर नहीं मिलेगा। और जब आप ऑयल रिप्लेस करते हैं उस समय आपको कोई ऑयल फिल्टर रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, मतलब कि जो आपका सर्विस कॉस्ट है थोड़ा सा कम हो जाता है, एक अच्छी बात है। तो आखिर ये इंजन में ऑयल क्लीन कैसे होता है, कहाँ पे क्लीन होता है? तो ये जो इंजन्स होता है एक स्टेप और ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें एक नहीं दो दो ऑयल फिल्टर होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वायर मेश टाइप ऑयल फिल्टर है, और यहाँ पे ये जो देखेंगे तो ये सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। पहले ऑयल फिल्टर होता है यहाँ पे, उसके बाद सारी जगह यह डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब एक्चुअली जो आपका ऑयल है उसमें इम्प्यूरिटीज़ क्या क्या रहता है, तो सबसे पहला इम्प्यूरिटीज़ होता है वो होता है मेटल पार्टिकल। जितने भी ये गियर्स हैं, सिलेंडर से जो पिस्टन रिंग्स, पिस्टन और सिलेंडर वाल से जो मेटल घिसता है धीरे धीरे, कोई भी मेटल है तो वो धीरे धीरे वर्न आउट होता है, तो उसका जो मेटल पार्टिकल्स होता है यहाँ पे, ये जो क्लच प्लेट्स है, क्लच प्लेट में मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों पार्टिकल्स होता है वो घिसता है। तो वो जितना भी पार्टिकल है अगर आपके ऑयल में रह गया वो, तो आपके पूरे इंजन को रब करके वो मोर एंड मोर क्रोजन प्रोवाइड करेगा और बहुत जल्दी आपके इंजन को सीज कर देगा। तो जो भी ऑयल है उसको फिल्टर करना, रेगुलर फिल्टर करना, हर एक साइकिल के बाद उसे फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ऑयल फिल्टर दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑयल फिल्टर को इस तरह के मोटरसाइकिल में, इस तरह के इंजन में कैसे क्लीन करते हैं। तो पहला ऑयल फिल्टर यहाँ पे है, वायर मेश टाइप, इसे आप सिंपली इस तरह से पुल कीजिए और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है। यहाँ पे मेटालिक नॉन मेटालिक पार्टिकल है, ये जनरली आपका क्लच का जो नॉन मेटालिक पार्टिकल है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए इसे आपको क्लीन कर लेना है। उसके बाद दूसरा है ये, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेन जो मेटालिक इम्प्योरिटीज़ रहता है, फाइन पार्टिकल वो रहता है, उसको हम लोग क्लीन करेंगे। तो इसे हम लोग पहले ओपन कर लेंगे। इस स्क्रू को सिंपल स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इंपैक्ट ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ, इससे ये बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस कैप को हम लोग ओपन कर लेंगे, ये इजीली ओपन हो जाता है, ये देखिए ये ओपन हो गया। और यहाँ पे एक पैकिंग है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारा इम्प्यूरिटीज यहाँ पे जमा है, ये देखिए जितना भी मेटल पार्टिकल ये सब है सारा यहाँ पे जमा है, देखिए सारे को हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा। ये देखिए सारा मेटल पार्टिकल इम्प्यूरिटीज यहाँ पे जमा है, इस तरह से डर्टी है यहाँ पे, देखिए ये देखिए सारा ये पार्टिकल्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी है, सारा सेंट्रिफ्यूगल एक्शन से ये यहाँ आकर के जमा हो जाता है, सॉरी अंदर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप इसमें मैग्नेट टच करेंगे तो देखिए मैग्नेट पे अट्रैक्ट होगा, देखिए ये देखिए जितना भी है ये मैग्नेट पे चिपक जाएगा, ये देखिए सारा ये मेटालिक पार्टिकल होता है मोस्टली फेरस, ये देखिए सारा इसमें अट्रैक्ट होगा, देखिए यहाँ भी ये अट्रैक्ट हो गया, देखिए ये
अगर क्लीन नहीं होता तो ये आपके इंजन को कोरोड करता। इसे आप अच्छे से क्लीन कर लिए, ये देखिए यहाँ भी देखिए, इसे हम लोग अट्रैक्ट करके देखते हैं कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। हम लोग इसे अच्छे से देखेंगे, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है। ज़्यादा पावरफुल ये मैग्नेट नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। देखिए अट्रैक्ट हो गया, देखिए ये इसमें चिपक गया। तो इससे हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे, कोई भी पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए, और क्लीन करके वापस से इसे हम लोग फिक्स करेंगे। तो मैंने सारे कंपोनेंट्स को बहुत ही अच्छे तरह से क्लीन कर लिया है, वायर मेस ये वाला और ये सेंट्रिफ्यूगल ऑयल फिल्टर बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, कोई भी पार्टिकल अब इस पे नहीं है। और यहाँ पे मैंने ओल्ड पैकिंग का यूज़ किया है क्योंकि अभी मेरे पास न्यू पैकिंग स्टॉक में नहीं है, बट जब भी आप इसे क्लीन कीजिए तो न्यू पैकिंग का यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। तो अब इसे हम लोग वापस से इंस्टॉल करेंगे। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा टैपर्ड है, तो ये इस तरह से जाएगा अंदर, यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, इसे जस्ट इंसर्ट कर दिए सीडी की तरह, जैसे आप लैपटॉप में सीडी इंसर्ट करते हैं। ये अपनी जगह पे आ गया और ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरह से, ये देखिए अपनी जगह पे आ गया। तो इसका स्क्रू भी मैंने लगा दिया है, और इसी के साथ जो हमारा ऑयल फिल्टर क्लीनिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। लास्ट टाइम बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे ये पूछा था कि जो मोटरसाइकिल में ऑयल पंप होता है वो एक्चुअली कहाँ पे होता है। तो ये है आपका ऑयल पंप, इसका ये गियर है, इसके गियर को अगर आप रिमूव करेंगे तो ये आपका ऑयल पंप है, यहीं पे ये अटैच रहता है, और यहाँ से ये सम्प, ये ऑयल सम्प है, और यहाँ से ऑयल सम्प से ये ऑयल लेता है और पूरे कंपोनेंट्स पे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही छोटा सा जो ये पोर्शन दिख रहा है यही ऑयल पंप है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जस्ट ये दो बोल्ट को आप ओपन करना है, ये बाहर आ जाएगा और आप नया यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यही आपका छोटा सा जो कंपोनेंट है यही आपका ऑयल पंप है। और ऑयल पंप कैसे वर्क करता है, कैसे ये दिखता है, इसका वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे बनाया है कार सेल्फ रिपेयर, उस पर आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इनर कंस्ट्रक्शन मैंने ओपन करके दिखाया है और कैसे ये वर्क करता है। ये देखिए इसी तरह से ये मूव करता है और ऑयल को पंप करता है अपने जगह पे, और यहाँ पे ये जो गियर है यहाँ पे क्रैंक वाले गियर से ये अटैच रहता है, ये वाला गियर, और वो मूव करता है तो ये भी अपना मूव करता है, और ये इसी तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने मोटरसाइकिल का ऑयल फिल्टर क्लीन करना चाहेंगे तो आप खुद से क्लीन कर सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते वो जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी आपके लिए नया वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले उसे देख सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।